अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की डेट है 30 अगस्त 2023 और आज की डेट के अंदर एक छोटी सी खुशखबरी है जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आपको याद है, कुछ दिनों पहले एकदम से पैनल्स के रेट ऊपर चले गए थे, 85, 90 और इवन 100 रुपये तक में भी पैनल सेल हुआ है। तो अब प्राइसेस दोबारा से नीचे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई लेकिन नीचे आ रही हैं। और कहाँ तक पहुँच चुकी हैं व्यूअर्स, थोड़ी देर में अभी आपको पैनल साइड में मूव करता हूँ तो बताता हूँ। काफ़ी सारा न्यू स्टॉक आया हुआ है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगा। इन्वरेक्स के स्टॉक में एकदम से तेज़ी आ चुकी है, वो प्राइसेस क्या चल रही हैं, मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, इनकी तमाम डिटेल्स आपको सीखने को मिलेंगी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास कौन कौन से इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, पैनल्स की प्राइसेस क्या हैं, इन्वर्टर की प्राइसेस क्या हैं। व्यूअर्स, ये हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ था 3 किलोवाट का इन्वर्टर, जिसमें मैक्स पावर और सोलर मैक्स, अक्सर मैंने आपसे जिक्र किया है कि दोनों ही एक कैटेगरी के इन्वर्टर हैं, दोनों की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट है। एक सोलर मैक्स R4 के नाम से आता है, दूसरा मैक्स पावर सनब्रिज के नाम से आता है। रियल टाइम शेयरिंग हो जाए उसकी, नेट मीटरिंग दोनों में नहीं है, लेकिन वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर हैं, तो मुझे पर्सनली वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर्स बहुत ही पसंद हैं और सबको पसंद होते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कंप्लेंट रेशियो ना होने के बराबर है। व्यूअर्स, प्राइस की बात कर ली जाए तो मैक्स पावर आपको मिल जाएगा 1,40,000 रुपये का और सोलर मैक्स R4 मिल जाएगा आपको 1,45,000 रुपये का। थोड़ा सा प्राइसेस में फ़र्क है, वो कह सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू का, कि इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है इन दोनों मॉडल्स के अंदर, तो फिर भी कंसिडरेबल है। जो इनका मैक्स पावर का 6 किलोवाट हो गया, सनट्रॉनिक 6000 और सोलर मैक्स का ओरियन, उनकी प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन दोनों अच्छी ब्रांड है, जो आपको पसंद है आप लगाएं, बेफिक्र होकर लगाएं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। सोलर मैक्स के जैगवार 900 वाट का, अगर आपके 4-5 पंखे लाइटें हैं, यानी इसको हम मिनी UPS कहते हैं, जिसके साथ आप सोलर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए इसका और रेट नीचे कर देते हैं, 38,500 रुपीज़ का। ज्यूनिक का Z6 का PV8500 इस पर कंप्लीट रिव्यू बन चुका है और 2,75,000 रुपीज़ का ये इन्वर्टर है। अच्छा, ये काफ़ी दिनों के बाद ये वाला मॉडल हमें देखने को मिला है, मैक्स पावर का 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। अच्छा, IP21 के अंदर है, क्योंकि IP65 अच्छे लोग डिमांड करते हैं, अक्सर लोग IP21 करते हैं, तो IP21 के अंदर वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर हो और सबसे अच्छी प्राइस ऑफर की जाए, तो मेरे ख्याल से इस वक्त मैक्स पावर विनिंग पोजीशन के अंदर है। ये हमें बहुत प्यारी प्राइस ऑफर करता है, ये आपको मेरे से आज की डेट में मिल जाएगा 3,40,000 रुपीज़ का। वीडियो पब्लिश होने से 1 से 2 दिन तक आप इन रेट्स को कंसिडर कर सकते हैं, तो ये इसमें आपको ये मिल जाएंगे। व्यूअर्स, इस इन्वर्टर में ना, अगर आपने नेट मीटरिंग करनी है, नेट मीटरिंग मौजूद है, डुअल इनपुट बेस है, यानी अलग-अलग MPPT है, डबल MPPT इनपुट और डुअल आउटपुट है, हैवी लोड लाइट लोड अलग-अलग कनेक्ट कर सकते हैं। नेट मीटरिंग का होना, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट का होना, वाईफाई का होना और हर वो चीज़ जो एक 8 किलोवाट के इन्वर्टर में हमें चाहिए वो इसमें मौजूद है। 9 किलोवाट तक का पैनल भी सपोर्ट करता है, यानी आप इससे पैनल भी लगा सकते हैं और बेहतरीन है। इससे ऊपर चले जाएं तो फिर IP65 की कैटेगरी रह जाती है। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्वरेक्स का भी स्टॉक अवेलेबल है और इसके अंदर राइट साइड से अगर स्टार्ट कर लें तो 3 किलोवाट नाइट्रॉक्स अवेलेबल है, उसको मैंने डिस्प्ले में ओपन नहीं किया। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ब्लू कलर में आता है। 4,000 वाट तक का सोलर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। IP65 के अंदर ये वाहिद ऐसा इन्वर्टर है 3 किलोवाट के अंदर जिसके ऊपर आप एक AC भी चला सकते हैं, पंखे लाइटें फ्रिज भी चला सकते हैं, ये तमाम चीज़ें चल सकती हैं। डुअल आउटपुट है, यानी हैवी लोड लाइट लोड अलग-अलग कनेक्ट किया जा सकता है। तो बस 3 किलोवाट की प्राइस जानने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पर मैसेज करें, मैं आपको इसकी अच्छी सी प्राइस ऑफर कर देता हूँ। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पर विजिट करें electricalwall.com, वहाँ पर ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। ये है जी हमारे पास 6 किलोवाट का इन्वर्टर और इस पे 2 AC चला सकते हैं, पंखे लाइटें फ्रिज, मोस्टली मेरे घर में ज़्यादातर यहाँ पर ये एक ये वाला लगता है और अगर ये ना हो तो 3 AC चलाने हो तो फिर मोस्टली हम ये 8 किलोवाट का लगाते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, बहुत लिमिटेड सा स्टॉक है जी हमारे पास, ये इन्वरेक्स 8 किलोवाट का 3 यूनिट्स जो हैं वो रह चुके हैं और इस वक्त ढूंढने से भी नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स, बट हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। तो व्यूअर्स, 4 ACs के लिए एक बहुत ही प्यारी सीरीज लॉन्च की है मैक्स पावर ने, वोल्टास के नाम से कंप्लीट रिव्यू आ रहा है। IP65 का इस वक्त तक का सबसे हैवी ड्यूटी इन्वर्टर है। वैसे हमारे पास 12 किलोवाट के अंदर नाइट्रॉक्स भी आता है और ये भी 12 किलोवाट के अंदर आ गया है।
वोल्टास स्क्रीन, आप इसकी अगर एलसीडी देखेंगे तो मेरे हैंड साइज जितनी काफ़ी बड़ी एलसीडी है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। मैक्स पावर तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अच्छा करता, जिस तरह काफ़ी एक्सपेंसिव है, लगभग 8.5 लाख रुपए के, मैं इससे भी आपको बेस्ट प्राइस ऑफर करूंगा, ये आपको मेरे से 8,40,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ज़ूनिक का PV15000 Z6 सीरीज़ है, कंप्लीट रिव्यू आएगा। इनकी प्राइजेस भी वीडियो में साथ साथ में मेंशन करता जा रहा हूँ क्योंकि वर्बली सारी प्राइजेस मुझे याद नहीं होती, ये अभी न्यू स्टॉक आया है। देन ऑनवर्ड IP65 में रहते हुए ये हमारे पास आ जाता है सोलर मैक्स का ऑनी एक्स, और सोलर मैक्स का ऑनी एक्स, और ये 6 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर है। रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, आपको रिपेयर नहीं करके दिया जाता, नया इन्वर्टर दे दिया जाता है। ये आपको आज की डेट के अंदर 3,60,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट ऑफर है। मैंने जस्ट वो डिस्प्ले के लिए लिया। रखे हुए हैं, PWM बेस्ड को मैं प्रेफर नहीं करता, MPPT बहुत अच्छे होते हैं। इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो अयान में अच्छे हैं, दूसरा सिमटेक बड़ी अच्छी कंपनी है, दोनों ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे पास 11,500 रुपये का है, ये DC लोड के साथ होता है, इसमें एक हाइब्रिड जो है वो 12,500 रुपये का है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारे पास स्टेबलाइजर 1 KVA के अंदर, ये हमारे पास 13,000 रुपये का है। फिर 2 KVA जो है ये हमारे पास 22,000 रुपये का है। इसके बाद 3 KVA है ये हमारे पास 31,000 रुपये का है। फिर 5 KVA 45,000 रुपये का होता है, और इसी तरीके से इसमें एक 10 KVA का आता है और 10 KVA 70,000 का है। ये सर्वो मोटर बेस्ड है, ये जो है ये नॉर्मल स्टेबलाइज़र है, माउंट कर सकते हैं, अक्सर आप लोगों ने इसको अपने फ्रिज के साथ लगाया होता है या अपनी अप्लाइंसेस के साथ। 2000 VA का है और इसकी कॉस्ट जो है वो 13,000 रुपये है। इसी के साथ ही व्यूवर्स, अब बारी है पैनल्स की प्राइसिंग को बताने की। 550 वॉट डिफरेंट ब्रांड्स की प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ। 550 वॉट का पैनल इस वक्त की कॉस्टिंग जो जा रही है वो लगभग, या सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो मार्केट में 82-83 में आपको मिल जाना चाहिए। बाइंग आमतौर पे तकरीबन 79-80 के करीब हो रही होती है, और वैसे अगर फेयर मार्जिन की बात की जाए तो 2 रुपये रख के आमतौर पे लोग सेल कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको 82 या 83 पे मिल जाना चाहिए। 82 पे अगर मिलेगा तो 45,100 का पैनल है, और अगर हम 550 मल्टीप्लाई बाई 83 करें तो 45,650 रुपीज़ का एक पैनल आ जाता है। ये कौन सी कंपनी के पैनल हैं व्यूवर्स? ये JA कंपनी के हैं, या अगर कहा जाए जिनको की ये प्राइसिंग है, कैनेडियन की थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा चल रही है, वो तकरीबन 85 रुपये पर वॉट के ऊपर जा रहा है। तो 85 मल्टीप्लाई बाई 550 तो 46,750 का कैनेडियन पड़ रहा है। और जैसा कि आप सारे लॉन्गी लॉन्गी कर रहे होते हैं कि जी लॉन्गी चाहिए, तो लॉन्गी सेल्फ अभी भी थोड़ी सी हाई प्राइसिंग के ऊपर जा रहा है, जिसके पास पड़ा हुआ है उसका अपना रेट है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने वेट किया, ये अच्छा किया, प्राइसिंग नीचे आई है और प्राइस भी इंशाल्लाह नीचे आएगी, लेकिन अभी भी प्राइस अच्छी है। अगर आप लगवाना चाहते हैं आप इसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता एकदम से प्राइस शूट कर जाती हैं और फिर आप दौड़ते फिरते हैं कि मुझे पैनल मिल जाए और पैनल नहीं मिल रहा। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने सीख लिया होगा कि जी क्या प्राइसिंग चल रही है, जान लिया होगा क्या प्राइसिंग चल रही है, कैसे चल रही है, और प्राइस नीचे आ रही है तो कितना नीचे आ रही है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।